बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद यूब, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आहद अहमद शाहद और मैं जा रहे हैं, चलें चलें, चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी करो, पहले लेट होगी, काफी धूप होगी है। आहद आहिस्ता आहिस्ता। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही खुशगवार है जी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, कभी धूप हो जाती है और कभी बादल छा जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। माशाल्लाह सफ़र करने का भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, आज हम एक अपने साथी को मिस कर रहे हैं, वो है अली अहमद का छोटा भाई। अहमद तो हमारे साथ ही है। पेट्रोल पम्प है, दो लीटर पे आ जाएगा। पेट्रोल पवाने के बाद जी अब फिर सफर शुरू है। आहद, हाँ जी, कोई चीज खाने पीनी है जाते वक्त या वापसी पे? वापसी आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जी जा रहे हैं। अब ये पीछे आ गया, क्या हुआ? आगे क्यों नहीं जाते? आगे चीकर पड़ रहा था। पड़ रहा ओ, उनको तो सही बोल रहा है। तेरी मर्जी है भाई। यार मैं बताऊँ, बताओ जेड़ा ना अगला चक्का तुझे आप किसे बैठे लाता है? दस दिन का अगले चक्के के नाल या बिटी चुप चुप के पैसे की बताओ। बस ठीक है, कोई काम नहीं सीधा तुम्हारे पास। चलो उठाओ चादरें, आ जाओ। आहद किस तरफ से तुड़ी लेके आनी है? इस साइड से, इधर तो पानी है खाली में, इधर से चलते हैं और रास्ता ऐसे बना लेंगे। ऐसे करेंगे। आ जाओ यार अहमद, मजाक छोड़ो, अभी मुझे भूख लगी है, जाके कुछ खाना भी। घर से आ पाया है, उनको भूख लगी। नहीं वो तो छत्ती खाने खा गया है। नहीं दरअसल वो भूख पता किस चीज की है, कुछ पकौड़े समोसे। आपने नहीं खाना, आपकी मर्जी ना खाए, मैं खा लूंगा रास्ते में ब्रेक लगा के। बोतल में खानी है चलो मेरे जवानों, हो जाओ शुरू अपने काम को। शायद ये ले उतारो, ये बारिश की वजह से कितना काम खराब हुआ। चलो कोई बात, बारिश की वजह से वो ऊपर जो मिट्टी थी ना वो सारी नीचे आगे तूड़ी में मिक्स हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, खैर है। तूड़ी डाल रहे हैं जी चरने में, तो ये इसके काम चेक करो कहाँ गया। ये रहा मेंढक छोटा सा डड्डू। दरबार नहीं है, इसे प्यार से कहते हैं डड्डू मेंढकू। चला हाथ बांधो इस चादर को, पकड़ के बाहर फेंक दो इसे। अरे तुर क्या बाहर तुर क्या? चलो चादर को बांधो ना। आप ही निकल आएगा वो यार यार बांधो हाथ, मैं डाल के आऊँ रक्षे में। यार मुझे बताते, मैं घर से दो तीन लोगों को और लेके आया था। सर बनन बनन बाद अहमद ने बनवाई आने दो, छोड़ दो, चल जा, छोड़ दे, छोड़ दो, चल चल शाहद चल बेटा। ऐसे जी यहाँ तक इसके जो नीचे वाला तला है ना, नीचे वाला हिस्सा, इसे तूड़ी से भर के सीधी करके लतड़ के जान के दबा के पाँव से, फिर ऊपर चादरें बांध बांध के रखेंगे।
आहद को बोल के शाहद से जी थोड़ी सी तूड़ी मंगवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कोने चारों साइड में रहते हैं थोड़े थोड़े डाल के, बाकी जो काम क्लियर हो गया उतारने वाला, अब सिर्फ चादरें भर के ला के इसके ऊपर ही रखने हैं। और शाहद भी लेके आ रहा, आ जाओ यार जल्दी आ जाओ शाहद, ये चादर ले जाओ, इसे मैं खोल के रख दूंगा। आहद अब थोड़ा सा टाइट बांधना इनको, भर भर के बड़ी बड़ी चादरें बांध लो। माशाल्लाह जी काम हुआ मुकम्मल, एक दो चादरें बोलते बोलते ना मैंने इनसे तकरीबन कम से कम चार चादरें डलवा ली हैं इसके अंदर। डाल पहले दो डाली थी उसे लताड़ना शुरू कर दिया था, फिर एक चादर मंगवाई शाह से वो डाल के फिर लताड़ना शुरू कर दिया, फिर एक मंगवाई। अब कह रहा था रहना दो चादरों में डालने के लिए, इसी में सारी के सारी डाल के ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं बस अब रह गई जी बस चादरें बांधने वाली, दो इन्होंने बांध ली, तीसरी बांध रहे हैं। और एक दो तीन चार, आज कितनी है टोटल चादरें? आठ सात, आठ सात सात आठवां पल्ला डे ओट बनने वाले। ये कपड़ा तो ऊपर बांधेंगे ना? हाँ जी सात है सात है। चादरें हमने भर के बांध ली, इधर वो सामने छतरे बंधे हुए हैं, वो आवाजें लगा रहे हैं साथ ये भी लगा रहे हैं। दो चार मिनट वेट कर लेते हैं वो भी और ये भी, एक दूसरे को ना सिग्नल दे रहे हैं कि हम इधर ही हैं। और अब उठाने की बारी आई है तो इन्हें पड़ रही है बीमारी, उठाओ हमने सब बारी आपकी है। चले बताओ सबसे पहले कौन सी लेके जानी? मुझे नहीं पता आपको बताओ। ये कौन सी बात बता भी नहीं रहे कि सबसे पहले कौन सी लेके जानी? चले रस्ते में जाते वक्त पी लेंगे शायद। नहीं भाई भाई को साथ लेके ना, ये लकड़ी लगा के वो ताकि जो है ना अपना वो बंद करो। अच्छा शाहद जा रहा है जी, वो टाली जो होती है ना उसकी वो तीन तो चार डानी लेके जा रहा है, जो थोड़ी है ना उसके आगे लगाने के लिए जी को वो क्या कहते हैं डका लगाने के लिए। और वो रहे भाई असद आ रहे हैं थोड़ी, एक दो और तीन आ चुके हैं, तीन चरने आ चुके हैं जी। बकाया भाई असद ला रहे हैं अभी, ले आओ ले आओ यार ले आओ। ऐसे ही होता है ले आओ। एक चरना ये भाई लेके आ रहे हैं, चार पहले जा चुके हैं एक रह गया जी। मैं कह के भी गया था कि शायद अहमद यार इसे ये लगा दो ऐसे लकड़ी, ये इधर साइड पे पड़ी है इनका तुम्हें क्या फायदा, जो पहली लगी थी इतनी ये उठा लेना रात वक्त रस्ते में काम देगा। ऐसे समय से ये वाली साइड अंदर कर ली, ले जी काम हो गया मुकम्मल। अहमद यार मजाक छोड़ो, गर्मी लग रही है दिल का भरा रहा, चल के कोई पानी शानी पीते हैं ठंडा। रिक्शे पे बैठ गए हम सब, आह चला रहा है पहले कहीं से ठंडा पानी या बोतल पीते हैं, काफ़ी गर्मी लग रही है दिल घबरा रहा मेरा तो। अहमद तुम्हारा भी दिल घबरा रहा है कि नहीं? प्यास लगी है कि नहीं? तो ये मोबाइल कौन सी प्यास बुझा रहा है तुम्हारी? हाँ जी किसकी का हाल है? पापा क्या कह रहे हैं? कहते हैं कहाँ हो फिर? कहा पैंट से पैंट मुराद से वापस जा रहे हैं। सही है उसी टाइम कॉल कट गया काट लगे। चले कुछ भी नहीं होता, उन्हें पता सुबह मैंने बता दिया था कि हम तूड़ी लेने जा रहे हैं इसलिए वो पूछ रहे होंगे। रास्ते में जी ये थोड़ा सा बाजार ज़्यादा ख़राब है, ड्राइवर ड्राइवर अथरी गड्डी तूफान ड्राइवर है जी। कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूँ तूफान ड्राइवर है हमारे पास। ओ पकड़ो पकड़ो क्या क्या पीछे बोलो। चलो बैठो अहमद, मेरे पाँव जल रहे हैं, मैं नंगे पाँव आया हूँ बाहर। मेन रोड पे आ गए हैं, अब किसी स्टाफ का इंतज़ार हो रहा है बस, फिर देखना हम कैसे कूद के खाने पीने के लिए उतरते हैं। ऐसे ही ना अहमद? यस।
यहाँ से खाते हैं कुछ। उतरो हम मार लेना चले, कुछ नहीं होता उतरो। समोसे और दही पले आ चुके हैं, अहमद और शाहद इधर, मैं और भैया असद इधर। चलो जी करो स्टार्ट। करो, मैंने कर ली। आपने कर लिया, चलो ठीक है। थोड़े दुआ कोई मगर लगे आराम ना खा लो। खान डे सपोर्ट हो तुम्हें मारते आने वाले की काम नहीं आने वाले। की कहना चल अंदर मेरे मुंह तोंदे तो ने मुंह चमची मेरी गल नहीं सुन ना मैं क्या कहया। हां मैं मेरा मुंह चोंड लिया। अच्छा खा लिया जी, अब चलते हैं जी पैसे देने। आ जाओ भाई, ऐसे पैसे दो, मैं जा रहा हूं लक्ष्य। खाने पीने के बाद जी साथ दही ले लिया, इनकी फरमाइश है कि घर जाके चावल खाने आज नमकीन। तो चलते हैं, चावलों में उल्लू डालने हैं और आलू डालने हैं आज। जी बिल्कुल, उल्लुओं वाले ये खाएगा और हम बगैर उल्लुओं के खा लेंगे। काल के जी को बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, चावल पकाना शुरू कर दे। घर जाके पूरी उतारने के बाद जब तक हमने फ्री होना है, चावल जो है वो पक चुके होंगे, दही डालेंगे और खा लेंगे। रवा पकी अपनी है। ओ हेलो, की गल खैर से है? आहिस्ता ही रहा बस। ठीक ठीक है ठीक है, तुम्हारा कसूर कोई नहीं है। एक पूछा तो इधर आई, चेक कर ले ये ड्राइवर के काम गाड़ी चल दरख्त के साथ रक्षे को लगा के जोर लगवाए जा रहा है उसका। नहीं लगा, झूठ बोल रहा है। सोचेगा यार नहीं चलाना आ रहा तो बंदा हद वाले से पूछ लेता है यार। अगर तुम्हें दही का तो पता नहीं, ठंडा पानी पिला दो, गर्मी लगी और हिचकी आ रही है। चलो क्या हुआ, उतार लो अहमद यार, काम कर लो गर्मी को। और रफीक भाई आए हुए हैं, कह रहे कि मैंने काम जाना रक्षा लेके, तो जल्दी जल्दी उतार ले। मैंने कहा आप बैठो वेट करो, उस दिन भी हम लेके आए थे तो फौरी आ गए। तुम्हें कोई ख्वाब तो नहीं आता कि हम आ गए? अच्छा अच्छा सही सही हो गया। और जी अहमद चुकवा रहा, मैं और हद लेके जा रहे, शायद वहाँ पे खोल रहा। अहमद टेंशन नहीं लेनी, दिल ना घबराए, चावलों का ऑर्डर दे दिया था मैंने तुम्हारे सामने। ओ चावल पक रहे, दही भी है ना, ना, ना। तो सही है, वो आपकी मर्जी। ध्यान से थोड़ी सी टेढ़ी करो इस चादर को। वैसे? नहीं नहीं वैसे जैसे पहले सीधे थे, एक साइड ऊपर की तरफ एक साइड नीचे। वैसे? हाँ ऐसे थोड़ा सा अंदर को बंदे जितने में लेके आऊं सीधी लेके आऊं। ये बड़े वाली चादर थी ना। चलो खोलो खोलो जल्दी करो यार। अब जा रहा हूँ जी बाहर, मोबाइल आहद मेरा मोबाइल तुम्हारे पास तो नहीं है? मेरा नहीं भाई, आपके पास। अहमद आपने उठाया हो मोबाइल? मेरा तो अपना मोबाइल कहीं गिर गया यार, जहाँ पे समोसे खाए थे वहाँ मेरे पास था, मैंने चेक किया था। तो उसके बाद कहाँ? उसके बाद नहीं, मैंने पता किधर गया। कॉल भी की थी अम्मी को, बड़े मोबाइल से छोटा जो बटन वाला मोबाइल है ना वो नहीं है, वो उधर मेरे पास ही था। फिर उधर ही रह गया होगा, उधर जब समोसे खा रहे थे तब तो मेरे पास था। तो उठाया नहीं होगा फिर? ये नहीं मेरे जहन में आ रहा कि उठाया। अब ये भी नहीं पता कि तूड़ी में, लेकिन तूड़ी तो आपने खुद उतारी है। अपने काम चेक कर लो आप। चलो तूड़ी उठाओ बाद में देख लेते हैं। ये तूड़ी कहाँ लेके जाना? ये जो है ना मामू जी, हमारा आप पास मामू जी नहीं आते, उनसे ली हुई थी दाढ़ी। ठीक है, उनका ऑप्स करके आना। चलें जी ये मैं जल्दी जल्दी पकड़ा के आता हूँ और फिर चलते हैं। ओ काश को कॉल कर दो ना कि हमारा मोबाइल इधर रह गया यार, देख रहा। चलो मैं बाइक पे चलते हैं, देख देता हूँ, कह देता हूँ। चलो चाह ये उठाओ, इसमें थोड़ी देर अंदर से डालो और लेके जाओ। अहमद आपने बताना नहीं मोबाइल मेरे पास है, मैंने उठा लिया था। ठीक है चलो आ जाओ, चल जाओ। पैसा थोड़ी दे आए, अब आ रहे हैं जी वापस।
जी दे आए, आप निकालो। चल कोई बात नहीं, बाइक लेके बाहर। अच्छा भाई ऐसा जा रहे हैं जी बाइक लेने। अहमद आपने चुप कर देना, आपने नहीं बोला। बाइक ले आए जी। एक दफा तूड़ी ना चेक कर लें, शायद इधर ही गिर गया हूं, मुझे नहीं। तूड़ी हमने मैंने उठाई है, नहीं निकला वो उनसे। वहां पर होता तो मैं जो पता ना लगता। चलो आ जाओ, चला आ जाओ अहमद, और बैठो बाइक पे, जल्दी आ जाओ यार। बैठो बैठो। चलो चलो भाई ऐसा है, अगर मोबाइल मैं आपको यहाँ पर दे दूँ तो आप हमें क्या खिलाओगे? क्या मतलब है? आप ये बात पहले बताओ, आप मुझे पास है ना? ये छोड़ो, आप बताओ नहीं, मुझे। फिर आपके पास ही है ना जी, मैंने वहां से ही उठाया था। अब बताओ क्या खिलाओगे? हम मोबाइल दे देते तो पहले बता देते कि हमने कुछ खाना भाई हमारे पास है। मोबाइल आप बताओ खिलाओगे क्या? बोला यार छोड़ो यार। यार आप इतने लकड़ हो चुके हो कि चीजें भूलना शुरू हो गए हो। इतनी टेंशन देने की क्या जरूरत थी, पहले बता देते कि भाई मेरे पास है। ऐसी टेंशन दूंगा तो आगे से आपको याद रहेगा कि मोबाइल संभाल के जाना चाहिए। अब किधर है मोबाइल की पार्टी पड़ेगी घर पर, हर चीज में पार्टी जी। यस, ये तो पार्टी आपको पड़ेगी, आप मिलेगा ही नहीं जब तक आप कुछ खिलाएंगे या पिलाएंगे नहीं। चलो ठंडा पानी पियो और साथ चावल खाओ। चलो आज हम भाई मेरे पास खाने पे बोतल पिला दूंगा शाम को। चलो पिला देना, आज हम भाई मेरे पास है, मैं देता हूँ। चलो अहमद। अम्मी जी अपने बेटे के काम चेक कर लो, मोबाइल जो है ना वो शायरी भूल आए थे भाई असद, वो छोटा बटन वाला नहीं जो इसने लिया भाई असद ने, वो वाला मैंने उठा लिया है। अब मैंने इसे बताया भी है, पहले पता क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इतनी टेंशन देनी जरूरी थी कि पहले क्यों नहीं बता दिया आपने। अम्मी इसीलिए इसे कहा है कि इतनी टेंशन आपको लाजमी चाहिए क्योंकि आप आगे से भी याद रखोगे मोबाइल का। हाँ जी, अब क्या हुआ, मुंह लटका के बैठे हो? अभी मुंह लटका के बैठे हो? अम्मी ना पास बैठी हुई तो मैंने आपका चेहरा दिखाना था। चलो ठीक है, मोबाइल मैंने जी दुकान पे रखा था, ये रहा जी मोबाइल। भाई उसने लिया नहीं हूँ, किधर गए? ये लो मोबाइल अपना। ये लो मोबाइल, इसका चेहरा चेक कर। अब तो मिल गया, अब तो मुस्कुरा दो थोड़ा, मुस्कुरा। चलो ठीक है, इसमें अबू की कॉल आती है सुबह शाम। चलो ठीक है, मैं घर बैठा हूँ जी और खाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतज़ार ही मैंने किसी का होता, जल्दी जल्दी नहा के खाना मंगवा लिया। ये नहीं कहा कि यार नहा लो तब तक हम बैठते हैं, जब आओगे तो तब खाना मंगवा के खा लेंगे। कब से कह रहे हैं आप मोबाइल पे लगे? यार मैंने अपना काम भी तो करना, सुबह की वीडियो नहीं अपलोड की थी और उसके अलावा पब्लिश करनी थी, अभी फ्री हूँ तो अभी मैंने नहाना भी है। मुझे वो जलन हो रही है उसकी, जो मट्टी थी उसकी। खाना आप दोनों खाओ, कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ तब तक, ठीक है? नहा धो के जी वही सुबह वाले कपड़े पहन लिए, खाना खाने लगा था तो अम्मी कह रही हैं कि सुबह लास्ट डेट है, सुबह सुबह यानी कि फर्स्ट टाइम ही जो बिजली वाले होते हैं ना बावटा वाले, उन्होंने आ जाना मीटरों की तारें उतारने के लिए, तो सबसे पहले जाओ नानी अम्मी जी के घर बिल तार के आओ। और इसी बहाने मैंने कहा कि चलता हूँ नाना अभी जी के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। नाना अब तो जी सोया हुआ और नानी अम्मी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सेहता तो बीता, सेहता तो बीता, की बन रहा है? बड़ा बड़ा कार्ड बना के लाए हैं, तैयारियां करने कदमा करने। ओए 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 ओए, बस आज दी रोटी मेरी इधर ही है। मेरी रोटी तो साड़ी है, बड़ी वैसे काम मां दे करन दिया था वे, होर रोटी साड़ी है कोठे का लगा ते उन सवेरे उन दित्ते हन ना चोल ते उन दी ल्यांदी तूड़ी
ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਆ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਹੋ ਹਰੇ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੋ ਪਕੜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹਵੇਲੀ ਖੇਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵਾਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਬਹ ਸੇ ਕਿਸੀ ਤਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਲਗਾ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਮਾਮੂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਝੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਸਾਥ ਗੱਪੇ ਛੱਪੇ ਲਗਾਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੋ ਇਹ ਥਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਦੁਲਾ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ ਮਿਲਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਗਾ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।